नगर से है। डीएवी कॉलेज के शिक्षा शास्त्र विभाग द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 2020 पर व्याख्यान आयोजित किया गया। इसमें अभिप्रेरक वक्ता डॉक्टर विशाल सक्सेना आम्रपुर पीजी कॉलेज कानपुर ने नए शिक्षा नीति के ई कनेक्टेड पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। मुख्य वक्ता प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर शिवम श्रीवास्तव मदन मोहन मालवी प्रतापगढ़ ने नए शिक्षा के शैक्षिक ढांचे पर बिंदुवार चर्चा की। समय अनुसार शिक्षा में परिवर्तन को उचित ठहराया। प्राचार्य डीवी कॉलेज कानपुर ने अपने उद्घोषण में सभी अतिथियों का स्वागत किया। उस सर्टिफिकेट में लिखा रहेगा, यहाँ पर यह चीज समझना जरूरी है कि आपको किसी नौकरी में भरने के लिए फॉर्म जिसमें भारत में लोग यहाँ आए जैसे आईएएस टीचर्स वगैरह सिविल की तमाम 3 साल वाला बीएससी करना पड़ेगा, 3 साल पूरा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहें तो 1 साल करके जाए घूम टहलाएं, कुछ नौकरी वोकरी कराएं, कोई बिजनेस विजनेस कर ले, 1-2 साल में फिर कर ले का मन करे तो फिर लौट आए। तो ये जो है, मैं डॉक्टर अनिल कुमार पंडा एसोसिएट प्रोफेसर एजुकेशन डिपार्टमेंट डीएवी कॉलेज कानपुर, आज हमारे शिक्षा शास्त्र विभाग के तरफ से एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के शीर्षक पर एक लेक्चर सीरीज का आयोजन किया गया है और इसमें मुख्य अतिथि के रूप से डॉक्टर विशाल सक्सेना जी जो आर्मापुर पीजी कॉलेज में हैं और डॉक्टर शिवम श्रीवास्तव जी जो प्रिंसिपल है प्रतापगढ़ में, वो दोनों लोगों के तत्वावधान से और दोनों लोगों के विशेष रूप से आगमन पर आज इस विषय पर बहुत अच्छा चर्चा हुई और उन्होंने मेनली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें जो पैटर्न है 5+3+3+4 पहले 5 साल चाइल्ड केयर डेवलपमेंट के लिए जिसमें कोई परीक्षा नहीं होगी और बच्चों को खेल के माध्यम से प्ले वे मेथड से पढ़ाया जाएगा और बाकी जो 3 साल है वो क्लास 3, 4, 5 तक के बच्चों को मदर टंग से पढ़ाया जाएगा या लोकल लैंग्वेज से पढ़ाया जाएगा। उसके बाद 6, 7, 8 के बच्चे इंग्लिश में पढ़ सकते हैं लेकिन कोई इंडियन लैंग्वेज भारतीय भाषा कंपलसरी रहेगा और 10th में बोर्ड हट गया है। अब CBSE या जो भी संस्था है बोर्ड एग्ज़ाम करा रही है और 12th में ही होगा। इस विषय पर चर्चा करने के बाद डॉक्टर विशाल सक्सेना जी ने भी ई कंटेंट डेवलपमेंट के बारे में बताया कि हम लोग शिक्षक होने के नाते कैसे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाएंगे। पहले तो COVID-19 जब आया था तो हम लोग घर में घर से पढ़ा रहे थे लेकिन जब COVID-19 में हम लोग ऑनलाइन पढ़ाए उसमें कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम रही। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो गांव से हैं और उनके पास नेटवर्क कोई नहीं है, साधन नहीं है और मोबाइल भी कहीं कहीं गरीब बच्चों के पास नहीं था, तो इसलिए ई कंटेंट डेवलपमेंट की शुरुआत हमारे माननीय बीजी साहब CSJM यूनिवर्सिटी ने कराया है और उसमें डॉक्टर विशाल सक्सेना जी कोऑर्डिनेटर हैं हमारी यूनिवर्सिटी के। तो उन्होंने ई कंटेंट कैसे डेवलप किया जाए, बच्चों को कैसे उसका बेनिफिट दिया जाए और बच्चों को कैसे जोड़े मेनी टू मेनी, और 1-to-many नहीं रहा कि एक टीचर पढ़ाता था बाकी 100 बच्चे सुनते थे, अब वो सिस्टम नहीं है। अब मेनी टीचर्स होंगे, मेनी स्टूडेंट्स होंगे, अगर कोई बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो वो एक टीचर नहीं 5-10 टीचर एक्सपर्ट से भी बात कर सकता है, पढ़ सकता है। इसलिए ई कंटेंट डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है और इस विषय पर उन्होंने बच्चे एवं जितने हमारे सब कलीग्स थे और हमारे कॉलेज के बड़े बड़े प्रोफेसर। कानपुर से विशाल सैनिक, रिपोर्ट JK News। We'll be right back.